मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव नजदीक आ चुके हैं। आज हम टीकमगढ़ जिले के माड़ूमर गांव में मौजूद हैं। हम यहां के लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि उनके विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या राय है और उनके गांव में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम सारी जानकारी यहाँ के लोगों से ही जानते हैं और बात करते हैं। जैसे अपने एमपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, और आपके गांव में कैसे का विकास होगी? विकास तो आप देख रही हैं, विकास तो है, लेकिन विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं है। मेन मुद्दा तो ये विकास है, विकास होना चाहिए गांव का। मान लीजिए गंदगी फैली हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो पानी की समस्या सबसे बड़ी है। अब जैसे कूप के लिए उनने ये बनाया सूखता, उसमें उपयोग नहीं हो रहा पानी, तो जो देखना चाहिए उनको। हाँ, आप पैसा दे रहे हैं या कुटी दे रहे हैं या कोई भी योजना दे रहे हैं, योजना में आप बार बार मान लो ये फार्म डालो, ये मिलेगा वो मिलेगा, एक विकास नहीं है। उम्मीद यही थी कि हमारे गांव में अच्छी सरकार बनेगी तो हमारे गांव में अच्छा विकास होगा। हमारी महिलाओं को, जिनके गरीब आदमी, जिनके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं है, जमीन जगह मकान के लिए नहीं है, जूतने बहने के लिए नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट देगी। हम लोगों ने इस तरीके से उनको वोट दिया था, हम लोगों ने सरकार बनाई थी, आज भी हम वही चाहते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत को हिदायत देवे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो सही तरीका से उच्चारण उसी के लिए होना चाहिए जिसको होने लायक है। और गांव में साफ़ सफाई, बिजली बिजली कुछ नहीं, ढंग से नहीं आती, नहीं कहीं खम्भों पे बल्ब लगे हुए हैं। हर 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 ग्राम पंचायत के लिए हर साल में बिजली के लिए पैसा आता है, साफ़ सफाई के लिए पैसा आता है, वो सब कचरा खा जाती है पूरा। अभी 5 साल में क्या क्या हुआ है? अभी 5 साल कुछ बदलाव नहीं हुआ है यहाँ के ग्राम पंचायत द्वारा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी 1.25 करोड़ का काम हो चुका है 1 साल के अंदर, 1.25 करोड़ का यहाँ कुछ नहीं मिल रहा दिखा। अब आप भी देख सकती हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो पैसा खूब दे रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो पूरा पैसा हजम कर जाते हैं। जो मैं जो यहाँ के चालू पर जो है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा चंदा में दे देते हैं बस, तो इसलिए शांत हो जाते हैं हम लोग। हम लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, मिल तो वहाँ से तो आ रहा है लेकिन यहाँ हम लोगों को नहीं मिलता है। वो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार पुनः उसी की बनवे और निरीक्षण किया जाए गाँव में आकर के। वादे तो चुनाव आने पहले तो वादे बहुत से सारे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, गांव में शिक्षित होंगे, मजदूर पलायन नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आज मजदूर बाहर जा रहे हैं। ये 5 साल पहले डाल देना योजना, ये बैनर के खाते में 1000 पहले डालते, 5 साल पहले सोचते कि हाँ ठीक है बैनर के लिए करना है वो करना है। अब सिलेंडर सस्ता हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया के बोल रही है, ये विकास नहीं है। शौचालय नहीं मिलो सरकार? नहीं मिलो, नहीं मिलो। तो कहाँ जाती है सोच के लिए? ना जा जगह रास्ता गई गली में, गाड़ी कर ला हो नया झगड़ा हो जाती चाहे, अब कहाँ पहुँचा बच्चा, हम लोग कहाँ जाए तब से का पैसे ही नहीं दे। हम तो 20 साल से लगा लो दीदी। हाँ, 20 साल से लगाया ऐसा के अब मिले पैसा, अब मिले शौचालय के लाना, बाल बच्चे ना गली में रास्ता बंगे बिछिया जा रही, जमाने के हिसाब से जावे लाखे बात हो। और कहा कह रही थी अब तुम्हारा राशन कार्ड नहीं है? हाँ, हमारे पास नहीं बनी ना बच्चा नहीं, हमारी भाई है 5 आदमी की अकेले। घर में कितने सदस्य? 9 है, 9 में से 5 आदमी की अकेले। हमारे 4 लोगों को राशन नहीं मिलती, चार लोगों को पानी नहीं मिलती। हमारे बच्चा भाई जब से बड़ा बच्चा, 2 बाल बच्चे होगा जब से अनाज नहीं मिल रहा। तो इतने साल में आपने बोली नहीं है? बोली सरपंच बोला सुबह कला फिर बनवा दे 3 महीना बाद बनवा दे। कैसे 3 महीना साल कड़क जाए 3 महीना बाद बात किया है? हा? तो कैसे दिक्कत हो पे, कैसे राशन पानी को आप लोग कैसे गुजारा करती हैं? हाँ, अब वो तो ये दिया कि घर की किसानी है तो जैसे बने सो जो है, जो सड़का अनाज पानी अब कहे बतावा वे की। हम परेशान हैं बहुत साल से, कितनी बहुत ही साल हमें तो आधी जिंदगी घर में परेशानी भोगत भोगत दी। आज जब पन्नी है साल है पन्नी डाट डाट हो गया, हम आसे ही आस हमें परेशान होते रह गए। अब हमें कछु लाभ मिले, अब कछु लाभ मिले आधी जिंदगी कर गई हमें सूसा सूसा, वो कछु नहीं मिल रही। वो है सो भाई तो कोई नहीं चिंती, अमीर तो ये बोलते तो अब उनके आदमी जाने पर हमारे आदमी क्या जानते हैं। हमारे तो किसान मजदूर कहते हैं तकलीक मजदूर, क्या करें, कर लेंगे तो मजबूत में खा लेंगे, नहीं करेंगे तो बैठेंगे। तो आपकी बार का सरकार हमें तो ये चाहिए कि आपकी बार के जो बच्चों बना देगा, जो हमारी कुटी निकाल देगा, पानी की व्यवस्था कर देगी, वो जो कूड़े मूड़े रही से वो भी हटवा देगा।
वो हर खम्भे पे वाला भी चाहिए और नल भी सजाने चाहिए और पानी को देखो पीने को भी होते हैं प्यार परेशान और नहाने देखो होते हैं तो देखो नहाने खो पीने खो तो पैसे पैसा पानी तो चाहिए कहाँ जाएंगे। अभी तो तालाब भरा से अपनी पानी भी निकालते हैं कम जिससे कि नहीं तैयार लगे गाँव में नहीं अभी कहाँ अभी नहीं आया है अगर आए तो आप लोग मांग करो आप लोग कहेंगे कि नाली बनवा दे तो मैं बूट भी देंगे नई नाली बनवाए पानी की व्यवस्था और नाली बनवाए तो मैं बूट नहीं देंगे हम तो ये कहेंगे। जब आप लोगों ने वोट दिया था उस समय 2018 में क्या सोच के दिया था और क्या उम्मीदें? अरे उम्मीदें थी कि विकास होगा गांव का विकास होगा अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी आज बच्चे ही घूम रहे हैं जो स्कूल में विकास नहीं हुआ है ये विकास थोड़ी है मास्टर वहाँ बैठे हैं बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक तरह से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ देखो विकास होना चाहिए जरूर और विकास होगा तो मतलब सरकार ठीक है सरकार गलत नहीं है लेकिन थोड़ा विकास पर ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए वो गांव में आके भी देखना चाहिए क्या विकास हुआ है। आप पैसा डालते हैं सरपंच ने किया किसी ने नहीं किया उन्हें बोलना चाहिए ये बात देखना चाहिए। खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा।